शाकिब अल हसन जो इंडिया में वर्ल्ड कप में बड़ी उम्मीदों से आए थे क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप हो रहा था और यहाँ पर उनकी टीम को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है खेलने का और उनको उम्मीद थी कि इस बार तो वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुँच ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब बांग्लादेश की टीम 10 टीमों के टूर्नामेंट में बॉटम टू पर जाती हुई नज़र आ रही है। टूर्नामेंट के आखिर में वो नीदरलैंड से भी हार गए। नीदरलैंड जो एसोसिएट टीम है उनको 50 ओवर की क्रिकेट खेलने के लिए बड़ी टीमें कभी भी अवेलेबल नहीं मिलती और उनको एसोसिएट टीमों के साथ सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेलना पड़ता है। उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया। इससे पहले नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को भी हराया था, तो अगर इम्पैक्ट वाइज देखें तो नीदरलैंड ने इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से अच्छा परफॉर्म किया है। और शाकिब उल हसन बड़े दिल के खिलाड़ी हैं और उन्होंने खुले तौर पर एक्सेप्ट कर लिया कि ये उन्हीं की गलती से हुआ है। उनके और तमीम इकबाल के बीच में जो एक लड़ाई चल रही थी उसका टीम पे इम्पैक्ट हुआ है और उसकी वजह से उनकी वर्ल्ड कप में ख़राब परफॉर्मेंस रही है और ये बांग्लादेश का आज तक का सबसे ख़राब वर्ल्ड कप है। जाहिर सी बात है इस दुनिया का कोई भी कप्तान इस तरह से ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन शाकिब उल हसन ने अपनी गलती मानी है। वैसे भी ये शाकिब उल हसन का आखिरी वर्ल्ड कप था। 2027 के वर्ल्ड कप में वो दिखाई नहीं देंगे, वो बहुत पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। और शाकिब उल हसन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके आखिरी वर्ल्ड कप कैंपेन कहीं ऐसे होगा कि 10 टीमों के टूर्नामेंट में बांग्लादेश बॉटम 3 में फिनिश करेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।